कोच के अंडर में करने वाला हूँ और कम्पीट भी करने वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है। 10-15 कमेंट थे भाई, डाइट के ऊपर वीडियो बनाओ, डाइट प्लान दो, वेट गेन के लिए चार्ट दो, आप लोग कैसे खुद से अपना डाइट प्लान को डिजाइन कर सकते हो, वो सब आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी वेट गेन करते हैं ना, तो आपको कैलरी सरप्लस में जाना होता है। जितने आप कैलरी ले रहे हो ना, उससे मतलब ऊपर लेना होता है। जैसे 2400 कैलरी ले रहे हो, तो आपको लगभग 3000 कैलरी तक आपको जाना होता है। तो जब जाके आपकी मसल मास मतलब बढ़ना स्टार्ट होता है, और उसके साथ आपको हैवी इंटेंस वर्कआउट करना होता है। तब के साथ साथ आपको हर चीज़ को बढ़ाते रहना है, हमेशा एक ही चीज़ पर टिके नहीं रहना है। मतलब सो किस तरीके से आपको मील को डिज़ाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो समझ लो, एक बंदा है 60 किलो का, और उसको मसल गेन करना है। मेरे को लेके चलो, अगर मैं 60 किलो का हूँ, मेरे को मसल गेन करना है, तो उसको क्या करना होगा, हाई कार्ब्स लेने होंगे और अपने वेट का डबल प्रोटीन आपको लेना होगा। तो मेरा 60 वेट है, मैं इसका डबल 120 प्रोटीन लूँगा। अब वो प्रोटीन को ऐसा नहीं है कि एक ही बार में लेना है, पूरे दिन आपके पास पड़ा है, पूरे दिन में उसको ऐसा डिवाइड करो कि आप कैसे कैसे उसे खा सकते हो। जैसे कि एक मील सुबह ले ली, उसमें 30-32 ग्राम प्रोटीन ले लिया, एक दोपहर को ले ली, उसमें 30-32 ग्राम प्रोटीन ले लिया। ऐसे कर करके आपको खुद से डिजाइन करनी है कि टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो ना कि हाँ मैं इस टाइम पे मील ले सकता हूँ। कॉलेज में जाते हो तो लंच बॉक्स में आप रख के ले जा सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना कि सलाद आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। सो अब मैं अपनी बता देता हूँ कि मैं कैसे कैसे करता था। हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कार्ब्स को हमेशा हाई रखना है। अगर मसल गेन कर रहे हो ना, तो कार्ब्स को हमेशा हाई रखो, और प्रोटीन को हमेशा डबल से ऊपर ही रखो, ताकि आपकी मसल अच्छे से जो है बिल्ड हो पाए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा डाइट फॉलो कर रहे हो। सो उसमें देखो आप गलती क्या कर रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है आप रेस्ट पूरा ना ले रहे हो, डाइट पूरी नहीं ले रहे हो, वर्कआउट सही से नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है। सो अब मैं बता देता हूँ अपनी, जो मैं खुद से डिज़ाइन करता था अपने लिए डाइट प्लान। और देखो, मैंने आज तक किसी से भी डाइट प्लान को डिज़ाइन नहीं करवाया है। मतलब मैंने अभी तक जो भी कराया ना, खुद से कराया, बट आगे आने वाले टाइम में कोच के अंडर में करने वाला हूँ और कम्पीट भी करने वाला हूँ। तो 2 महीने का वेट करो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 2 महीने से जिम बंद हुआ, बॉडी ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। करंट कंडीशन दिखाऊंगा 1-2 दिन में आने वाली वीडियोज़ में, बट बॉडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो अब मैं अपनी डाइट बता देता हूँ मैं कैसे डिज़ाइन करता था। सुबह कोई सारी मील्स को प्रिपेयर कर लेता था। तो मैं क्या करता था, सुबह सुबह फर्स्ट मील मेरी होती थी 8:30 बजे। उसमें क्या करता था, आपके अंडे हो जाते थे 5, और उसके साथ चावल हो जाते थे, एंड थोड़ी बहुत सलाद हो जाती थी। ये मैं घर से मतलब कमरे पे से खा के जाता था जॉब पे, एंड और बाकी की टिफिन में पैक करके ले जाता था। जो हमारी सेकंड मील होती थी वो होती थी 12:30 बजे। 12:30 बजे उसमें क्या होता था, ये काले चने और मूंग की दाल, आपकी जो मूंग होती है साबुत, उन्हें आप फूलो के उनको लेके जाता था, और उसके साथ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट हो जाते थे, और उसको मैं लेता था 12:30 बजे। एंड जो हमारी थर्ड मील होती थी वो होने वाली थी 2:30 बजे। वहाँ पर पनीर लेता था मैं 150 से 200 ग्राम, और उसके साथ 2 केले। सो ये मेरी 2:30 बजे वाली मील हो जाती थी। एंड इसे आप भी फॉलो कर सकते हो, कि बहुत बजटली डाइट है। नेक्स्ट वीडियो में जो डाइट बताऊंगा वो थोड़ी कॉस्टली होगी, बट इस वाली जो वीडियो में मैं आपको डाइट बता रहा हूँ वो बजट फ्रेंडली डाइट है। वो शाम को 4:30 बजे मैं क्या लेता था, 2 ब्राउन ब्रेड, उन पे पीनट बटर लगा के, और उसके साथ 2 बनाना लेता था। इससे काफ़ी एनर्जी रहती थी। सो मैं क्या करता था कि 1 घंटे पहले मैं राइस जो चावल होते हैं ना, 250 से 300 ग्राम खा के जाता था, और 1-1.5 घंटे बाद वर्कआउट करने जाता था। तो बॉडी इतनी ज़्यादा पंप होती थी ना, मतलब बहुत मज़ा आता था वर्कआउट करने में। और वर्कआउट में इतना इंटेंस करता था कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो PR था ना डंबल्स पे, मतलब चेस्ट प्रेस पे, वो मैं 35 से भी ऊपर करने की सोच रहा था। मतलब 35 तक तो मैंने आराम से मान लिया था, मतलब 12 रैप निकाल लेता था, इतना PR पहुंचा दिया था। नेचुरली करना है ना, तो भाई डाइट तो बहुत हैवी रखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 5th मील क्या होती थी। उसमें क्या होता था, चावल होते थे, सोयाबीन की बड़ी होती थी 50 ग्राम, उसके साथ 4-5 अंडे होते थे बस। तो यही सब मेरे पूरे दिन का रूटीन होता था। एंड ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट नहीं। अगर मसल बिल्डिंग की बात आ जाती है तो फिर आपको डाइट लेनी ही पड़ती है, और डाइट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि वीडियो मैंने सोचा था 3 महीने तक कोई अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। जिम भी नहीं जा रहा हूँ, मैंने सोचा था कि 3 महीने बाद ही स्टार्ट करेंगे, तभी इस रेगुलरली वीडियो डालेंगे। सो बट तुम लोगों के कमेंट देख के मेरे को थोड़ा अंदर से फील आया कि वीडियो बनानी चाहिए, एंड इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।